आज का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। पहले तो व्हाट इज फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, ठीक है? तो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस रिजल्टिंग इन एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट विच में अफेक्ट द सेफ्टी, इफिकेसी एंड अपेयरेंस ऑफ द प्रिपरेशन। मतलब अगर कुछ दो सब्सटेंसेस है, मीन्स दो ड्रग्स है या फिर ड्रग और एक्सिपिएंट है, तो वो अगर हम कांटेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो ऐसे कुछ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन सकते हैं जो कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी, इफिकेसी या फिर अपीयरेंस को अफेक्ट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमें ऐसे कुछ फूड होते हैं जो कि एक साथ खाने को मना है, तो क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मतलब वो एक दूसरे से इनकम्पैटिबल होते हैं, ठीक है? तो ऐसे सब्सटेंस क्या करते हैं, एक तो कुछ तो टॉक्सिक प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिससे वो हमारा डोसेज फॉर्म है उसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसे कुछ वो जो ड्रग है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करने से ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनेगा जो कि उसका अब्जॉर्प्शन कम होगा, तो वो डिजायरेबल इफेक्ट नहीं दे पाएगा। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस है उनको एक दूसरे के साथ वो इनकम्पैटिबल होते हैं, इसलिए वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस करते हैं। तो ये कौन कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, लाइक फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, पहले व्हाट इज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी? व्हेन टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर, अ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस एंड एन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। मतलब अगर वो मिक्स किए जाए या फिर फिजिकल कांटेक्ट में आ जाए तो वो एक फिजिकल चेंज दिखाते हैं, जस्ट लाइक दे आर विजिबल। मतलब या फिर उनका कलर चेंज हो जाएगा या फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऐसे कुछ फिजिकल चेंज वो दिखाते हैं, बट उससे वो केमिकल चेंजेस में कुछ फर्क नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, वहाँ सिर्फ फिजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। लाइक दे आर विजिबल एंड कैन बी करेक्टेड टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डोसेज एंड अट्रैक्टिव अपियरेंस। मतलब ये जो इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म हुई है वो हम करेक्ट भी कर सकते हैं कुछ ऐसे प्रोसेसेस यूज करके उनको करेक्ट किया जा सकता है। तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कैसे होती है, लाइक इनमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन या फिर लिक्विफैक्शन। तो आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है का फॉर्म है, ठीक है? तो इनमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एंड लिक्विफैक्शन। ओके, तो पहले इनमिसिबिलिटी क्या है? हमने इमल्शन पढ़ा था, उसमें हम क्या क्या मिक्स करते हैं, ऑयल एंड वाटर, जो कि एक दूसरे के साथ इनमिसिबल है। मतलब क्या है, वो मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ। तो ऐसे फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। लाइक आपको पता है कि ऑयल, एक तो ऑयल के ग्लोब्यूल्स है वो वाटर में डिस्पर्स किए होंगे, या फिर वाटर के ग्लोब्यूल्स ऑयल में डिस्पर्स किए होंगे। आपको पता है ऑयल एंड वाटर है जो इमिसिबल है एक दूसरे के साथ, तो वो मिसिबल कैसे बनाए जाते हैं, वो इमल्शन स्टेबल कैसे बनाया जाता है, यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट कैसे काम करता है ये आपको मैंने इमल्शन टॉपिक में बताया है। तो वो उन दोनों का इंटरफेशियल टेंशन कम करेगा और वो दोनों ऑयल और वाटर कंपैटिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कौन सी है, इनमिसिबिलिटी, और वो करेक्ट कैसे की गई है, बाय यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। लाइक आपको पता है कि वाटर और इथेनॉल है वो मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, बट जो ऑयल और वाटर है वो नहीं मिक्स होते हैं, तो वो जो इमल्शन है वो क्रैक होने के चांसेस है। क्रैक होना मतलब ऑयल फेज और वाटर फेज सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। तो क्या वो ऐसे एडिबल फॉर्म में रहेगा, क्या वो इफेक्टिव
डोसेज फॉर्म रहेगा क्या? नहीं, तो इसीलिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे उसको स्टेबल बनाने के लिए. इनकम्पैटिबिलिटी इन शॉर्ट अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है. ओके, नेक्स्ट आता है इनसॉल्युबिलिटी. इनसॉल्युबिलिटी क्या है? इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सस्पेंशन का. तो सस्पेंशन में क्या होता है, जो ड्रग होता है या फिर वो जो सॉलिड है ड्रग का, वो इनसॉल्युबल होगा हमारे कॉन्टिन्यूस फेज में. ठीक है, तो इनसॉल्युबिलिटी ये हुआ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी. तो क्या होगा कि जो हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे इस इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए, कैसे? क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेनासिटीन एक इनसॉल्युबल सॉलिड है और हम कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रैगाकांथ और ट्रैगाकांथ म्यूसिलेज यूज करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, एज अ सस्पेंडिंग एजेंट. ठीक है, तो वो सस्पेंडिंग एजेंट क्या करेगा, इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड हेल्प्स टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर सफिशियंटली लॉन्ग टाइम. मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए. देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड है तो वो थोड़ी देर बाद सेटल हो जाएगा, तो वो एक इफेक्टिव डोसेज फॉर्म नहीं रहेगा. तो हमने क्या यूज किया, एज अ करेक्टिव मेजर सस्पेंडिंग एजेंट यूज किया, जो कि वो प्रिपरेशन की विस्कोसिटी बढ़ाएगा और जो पार्टिकल्स सेटल हो रहे हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए सेटल नहीं होंगे और एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन रहेगा. ठीक है, ये हो गया इनसॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट है लिक्विफैक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है, टू व्हेन टू टू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट आर ब्रॉट इनटू फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, दे लिक्विफाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर. सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज यूटेक्टिक सब्सटेंसेस. मतलब ऐसे दो सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जाम्पल एक का मेल्टिंग पॉइंट है 30 और एक का मेल्टिंग पॉइंट है 40. तो अगर वो दो सब्सटेंस हम मिक्स करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल 20. ओके, ये सब हाइपोथेटिकल है, एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, 20 20 डिग्री सेल्सियस. तो वो फिजिकल कांटेक्ट एक दूसरे के आने की वजह से क्या हुआ, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ. उन सब्सटेंस को कैसे बोलेंगे हम, यूटेक्टिक सब्सटेंस बोलेंगे. तो वो जो रूम टेम्परेचर के बिलो उनका मेल्टिंग पॉइंट गया है तो वो मतलब रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा तो वो मेल्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो लिक्विफाई हो जाएंगे वो, इसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन. तो इसको कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी क्या हुआ कि दो सब्सटेंस मिक्स किए तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, यह है उनकी इनकम्पैटिबिलिटी. तो ऐसे दो सब्सटेंस भी इनकम्पैटिबल हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. केमिकल इंटरैक्शंस ऑकर बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विच रिजल्ट इन अ टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन. यहाँ पे एक्चुअल केमिकल इंटरैक्शन हो रहा है जो कि टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट बना रहा है. फॉर एग्जाम्पल केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी किसकी वजह से हो सकती है, लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे दो ड्रग के बीच में हो रही है तो उसको बोलेंगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. ऑब्जर्व एज अ प्रिसिपिटेशन, इफरवसेंस, डिकम्पोजिशन, कलर चेंज एंड और एक्सप्लोशन. मतलब अगर ये रिएक्शंस हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनका चेंज है, वो कैसे ऑब्जर्व होगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो रिएक्शन की वजह से. तो वो एज अ प्रिसिपिटेशन, इफरवसेंस, डिकम्पोजिशन, एज अ कलर चेंज ऐसे ऑब्जर्व हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अल्कोलॉइड सॉल्ट है वो इनकम्पैटिबल विथ सैलिसिलेट्स, ब्रोमाइड्स, टैनिन्स, अल्कलाइन सब्सटेंस, इन सबके साथ वो इनकम्पैटिबल है. मतलब ये इन सबके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन शो करेगा जिसके वजह से ऐसे प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे जो कि अनडिजायरेबल है. या इसके केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के दो टाइप्स है, एक तो टोलरेटेड और दूसरा है एडजस्टेड. एडजस्टेड मतलब टोलरेटेड मतलब क्या, ये हम अवॉइड कर सकते हैं.
For example, chemical interactions may be minimized by changing sequence of mixing without any alteration in active ingredient. Tolerated मतलब क्या? ऐसे हम जो हमारा फॉर्मुलेशन में या फिर जो दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं या फिर टू और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज कर रहे हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट टॉलरेटेड मतलब क्या? हम वो कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करके वो टॉलरेट कर सकते हैं, वो हम अवॉइड कर सकते हैं. लाइक अगर चेंज मिक्सिंग का सिक्वेंस है उनका वो चेंज करेंगे तो वो केमिकल इंटरेक्शन मिनिमाइज कर सकते हैं. इसको बोलेंगे टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. नेक्स्ट है एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. यहाँ पे क्या होगा? जो केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर सब्सटेंस हैविंग इक्वल थेरेप्टिक वैल्यू. एडजस्टेड मतलब यहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा वो जो केमिकल इंग्रेडिएंट है, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको ही रिप्लेस या फिर कुछ दूसरा एडिशन करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे हम एक्टिव इंग्रेडिएंट चेंज कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन इंटरेक्शन को अवॉइड करने के लिए. और यहाँ पे सिर्फ लाइक चेंजिंग इन सिक्वेंस ऑफ मिक्सिंग विदाउट अल्टरेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये डिफरेंस है इन दोनों का. लास्ट आता है थेरापूटिक इनकम्पैटिबिलिटी. यहाँ पे क्या हो रहा है? मेडिसिन कंटेनिंग टू और मोर थेरेप्टिक सब्सटेंसेस शोइंग एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक एक्शन इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट ऑफ विच कैन एनकाउंटर और एनहांस ईच अदर. लाइक फॉर एग्जांपल जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है या फिर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है वो अच्छे भी हो सकते हैं या फिर वो नॉट यूजफुल भी हो सकते हैं. मतलब अगर दो ड्रग्स साथ में दे रहे हैं तो एक तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कम भी कर सकते हैं या फिर एनहांस भी कर सकते हैं. ये थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कौन कौन से रीजन से हो सकती है? फॉर एग्जांपल होता है एरर इन डोसेज फॉर्म, रॉन्ग डोज, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स, ड्रग इंटरैक्शंस, prescribing drugs with wrong directions. मतलब wrong directions means कुछ अलग ही use करना था but वो कुछ अलग timing पे ले रहे हैं या फिर कुछ गलत medicines ले रहे हैं तो वो होता है. Like for example error in dosage form. Dosage form में कैसे error हो सकती है? इसकी वजह से कैसे incompatibility हो सकती है? The errors in writing prescription order often leads to the therapeutic incompatibility. Prescription order है वो गलती से कुछ अलग लिख लिया गलती से तो वो incompatibility produce कर सकता है. For example overdosing or underdosing, मतलब जितना डोज हमें required है उससे कम डोज दिया तो ऑफकोर्स वो जो इफेक्टिव इफेक्ट चाहिए हमें वो नहीं मिलेगा. फिर ओवरडोज हो गया तो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. तो ओवरडोसिंग एंड अंडरडोसिंग इन डिस्पेंसिंग मेडिकेशन आर द मोस्ट सीरियस फॉर्म्स ऑफ लीडिंग टू थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, ड्रग्स दैट आर हैविंग आइडेंटिकल नेम्स एंड प्रोनाउंसिएशंस रिजल्टिंग इन डिस्पेंसिंग द रॉन्ग ड्रग. मतलब और आपको तो पता है अगर फिजिशियन ने कुछ लिख के दिया और फार्मासिस्ट ने कुछ अलग ही पढ़ा वो दे दिया तो ऑफ कोर्स वो गलत इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. तो फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन, डिजिटॉक्सिन या फिर डिगॉक्सिन, ये जो ड्रग्स है सेम नेम्स या फिर आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन है ऐसे तो वो गलत फहमी में से प्रोड्यूस कर सकता है जिसकी वजह से थेरेप्टिक इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स, देर आर ड्रग्स विच शो सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन द कॉम्बिनेशन. मतलब ऐसे दो ड्रग है वो अगर हम कॉम्बिनेशन में एडमिनिस्टर किए तो एक तो वो सिनर्जिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर एंटागोनिज्म. तो ये दो टर्म्स क्या है?
ये जो सिनर्गिज्म और एंटागोनिज्म है वो अच्छे भी हो सकते हैं या फिर अनवांटेड भी हो सकते हैं। तो कैसे, फॉर एग्जांपल सिनर्गिज्म, तो दो ड्रग्स है तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब वो दो ड्रग्स साथ में मिलकर ज्यादा इफेक्ट दे रहे, तो उन दो ड्रग का डोज जो है हमें कम करके देना पड़ेगा। तो डोज कम हो रहा है तो अच्छी बात है, पर अगर फॉर एग्जाम्पल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है, वो दो ड्रग्स हम साथ में दे रहे हैं, तो मान लो गलती से वो इतना अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर ले एंटी हाइपरटेंसिव का कि वो हाइपोटेंशन ही प्रोड्यूस कर ले, तो वो अच्छी नहीं है बात, ठीक है। तो इसलिए सिनर्जिज्म अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी, तो वो डोज कम किए कैलकुलेट करके अच्छे से देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एंटागोनिज्म, ये भी अच्छा ही भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है। कैसे, तो एंटागोनिज्म मतलब अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर दो ड्रग हम साथ में दे रहे हैं तो एक ड्रग दूसरे ड्रग का इफेक्ट कम करेगा, ठीक है, तो ये हो गया एंटागोनिस्टिक। बट इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो सोचो एक ड्रग का जो इफेक्ट है वो ओवरडोज हो गया उस ड्रग का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, तो हम दूसरा ड्रग दिया, उसका एंटागोनिस्टिक ड्रग दिया, तो वो उस ओवरडोज वाले ड्रग का इफेक्ट कम कर सकता है, ठीक है। तो सिनर्गिज्म एंड एंटागोनिज्म समझ में आया। सिनर्गिज्म हम करेंगे कि वो दो ड्रग साथ में देंगे तो एडिटिव इफेक्ट दिखेंगे, ज्यादा ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे उससे, और एंटागोनिज्म मतलब अपोजिट इफेक्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आर दोज विच आर नॉट टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन सर्टन डिसीजेस कंडीशन और टू अ पर्टिकुलर पेशेंट हु इज एलर्जिक टू इट। मतलब एक पेशेंट है जो कुछ ड्रग के लिए एलर्जिक है, तो वो ड्रग हम उस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, मतलब अलाउ नहीं होगा वो, ठीक है। और ऐसे कुछ डिसीज है जो कि पर्टिकुलर ड्रग को कॉन्ट्रा इंडिकेट करना पड़ता है, मतलब उस डिसीज में वो ड्रग नहीं चलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का यही मतलब है। पर अगर हमने उस डिसीज में वो दे दिया तो वो इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस कर सकता है, सिंपल इसका यही मीनिंग है। नेक्स्ट आता है ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इन कॉम्बिनेशन में मॉडिफाई द रिस्पॉन्स टू इच अदर बाई इंटरैक्शन बिटवीन देम, लाइक प्रिस्क्राइबिंग एम्फिसिलिन एंड एलोपिरेनॉल इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ स्किन रैशेस। मतलब दो ड्रग्स इंटरैक्ट करके कुछ अलग ही टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक एम्पिसिलिन है, एलोपिरेनॉल है, जो कि स्किन रैशेस का इंसिडेंस बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था, तीन टाइप के फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक। तो इसका डिफरेंस आपको समझ में आया, और इसमें से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने के चांसेस है, लाइक फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की कौन से फॉर्म है, लाइक इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन एंड लिक्विफैक्शन। और फिर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को कौन से वजह से हो सकती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बाद में ये इन दो दो टाइप है, जो कि टॉलरेट में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट चेंज नहीं करेंगे, एडजस्टेड में हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट चेंज करना पड़ेगा। थेराप्यूटिक इनकम्पैबिलिटी, जो कि हम प्रिस्क्रिप्शन में फॉल्ट हो सकता है डॉक्टर की वजह से या फिर फार्मासिस्ट की वजह से, या फिर पेशेंट अलग तरीके से ले रहा है, जो डॉक्टर ने बताया उसके अलग तरीके से ले रहा है, तो इसकी वजह से थेराप्यूटिक इनकम्पैबिलिटीज हो सकती है। ये एक छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।